I have many competitors. How should I react to them? This is the question asked by many viewers, and today I'll be answering this question based on a book, 101 Inspiring Stories. Namaskar, I'm Arushi and I welcome you all here to my channel, AppSec Talks. In today's video, we will be discussing a story which will be showing us how should we react to our competitors. This book is really a very interesting book. इस बुक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस बुक में कोई भी स्टोरी पूरी नहीं दी गई है। पहले स्टोरी को इनकम्प्लीट रखा गया है और फिर आपको टाइम दिया जाता है सोचने के लिए कि बाद में उस स्टोरी में क्या हुआ होगा। फिर उसका आंसर किया जाता है कि बाद में क्या हुआ और लास्ट में ये बताया जाता है कि इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है। बुक कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी सिंपल है ये आप जान पाएंगे बुक की पहली ही स्टोरी से, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी एक शॉपकीपर के बारे में है, जो कि एक शॉप चलाया करता था। उसकी फैमिली पूरी तरह उसे उसी पर डिपेंडेंट थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसकी शॉप के सामने एक डिपार्टमेंटल स्टोर खुलने वाला था। उसे लगा कि जब इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर मेरी शॉप के सामने खुल जाएगा तो कोई क्यों मेरी शॉप पर आएगा सामान लेने। उसे लगा कि यकीनन मुझे एक ना एक दिन तो ये शॉप बंद करनी ही पड़ जाएगी, फिर मेरी फैमिली का क्या होगा। वह इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था। इसका सलूशन मांगने के लिए वह एक दिन एक मास्टर के पास गया। उसने उनसे पूछा कि अगर ये डिपार्टमेंटल स्टोर चल गया तो मेरी शॉप तो मुझे बंद करनी पड़ जाएगी, आप इसका कोई सलूशन बताएं। मास्टर ने कहा, तुम्हें क्या करना है, रोज़ सुबह जाना है, अपनी शॉप खोलने से पहले शॉप के बाहर खड़े होना है, शॉप की तरफ देखना है और अपनी शॉप को ब्लेस करना है, सारी प्रॉस्पेरिटी आपकी शॉप में आ रही है ये सोचना है। यह सुनकर वह आदमी खुश हुआ, उसने सोचा शायद इससे कुछ होगा। लेकिन मास्टर ने कहा, नहीं, उसके आगे तुम्हें क्या करना है यह भी सुनो। आपको फिर अपना फेस टर्न करना है और डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ देखना है, और फिर जिस पॉजिटिविटी से आपने अपनी शॉप को ब्लेस किया, सेम उसी पॉजिटिविटी से, उसी फीलिंग से आपको उस डिपार्टमेंटल स्टोर को भी ब्लेस करना है, उसको भी वही प्रॉस्पेरिटी विश करनी है जो कि आपने अपनी शॉप को की। यह सुनकर वह आदमी चिंतित हो गया। उसने सोचा, अगर मैं डिपार्टमेंटल स्टोर को भी ब्लेसिंग्स दूंगा तो वो तो यकीनन मुझसे अच्छा बिजनेस करेंगे और मुझे अपनी शॉप बंद करनी पड़ जाएगी। लेकिन मास्टर ने कहा, ऐसा नहीं है। जितना अच्छा तुम डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में सोचोगे, जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स तुम उस स्टोर को दोगे, उतनी ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी तुम्हारी शॉप में आएगी। यह सुनकर वह व्यक्ति हैरान था, लेकिन उसने सोचा कि जब मेरे गुरु ऐसा कह रहे हैं तो मुझे उनकी बात माननी चाहिए। एक साल तक उसने वैसा ही किया, लेकिन उसे अपनी शॉप बंद करनी पड़ी। अब बुक में पूछा गया है, ऐसा क्यों हुआ होगा? तो आप लोग भी सोचिए वीडियो को पॉज करके कि ऐसा क्यों हुआ होगा, और अपने आंसर के साथ रेडी रहिए। आइए अब डिस्कस करते हैं कि क्यों शॉपकीपर को अपना स्टोर बंद करना पड़ा। जब वह शॉपकीपर डेली डिपार्टमेंटल स्टोर को ब्लेस करता तो उसकी गुड फीलिंग्स डिपार्टमेंटल स्टोर के ऑनर तक पहुंची। फिर वो एक दिन दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए। धीरे धीरे जब ऑनर को समझ आने लगा कि शॉपकीपर को तो इस बिजनेस का काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो दोनों पार्टनर्स बन गए। पार्टनर्स बन के दोनों ने काफ़ी अच्छा बिजनेस रन किया और डिपार्टमेंटल स्टोर काफ़ी अच्छा चलने लगा। एक दिन डिपार्टमेंटल स्टोर के ऑनर को लगा कि इस बिजनेस के लिए वह शॉपकीपर ही अप्रोप्रिएट है, और उसने अपना डिपार्टमेंटल स्टोर शॉपकीपर को बेच दिया। तो इसलिए शॉपकीपर को अपना स्टोर बंद करना पड़ा। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जाने अनजाने जो भी फीलिंग्स किसी और के लिए रखते हैं, वो फीलिंग्स धीरे धीरे उस इंसान तक ज़रूर पहुंचती हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। हमें लगता है कि हम किसी इंसान के बारे में जो सोच रहे हैं वो इंसान वह फील नहीं कर पा रहा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपने भी देखा होगा कि किसी इंसान को देखते ही आपको काफ़ी पॉजिटिविटी फील होती होगी। यह तब होता है जब कोई सामने वाला इंसान आपके लिए कुछ पॉजिटिव सोचता है, तो वो पॉजिटिव वाइब्स अनकॉन्शियसली आपके पास पहुँचती हैं। हमारा ब्रेन किस तरह से वर्क करता है ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हम में से कोई नहीं जान पाया, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम जिस भी तरह की वाइब्स जनरेट करते हैं वो वाइब्स सामने वाले तक ज़रूर पहुंच पाती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी उसी तरह का बिहेव करना चाहिए जिस तरह की चीज़ें हम अपने साथ होते हुए देखना चाहते हैं। तो ये तो हुई आज की स्टोरी, आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इसी तरह की छोटी छोटी और स्टोरीज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 101 इंस्पायरिंग स्टोरीज को जरूर पढ़ें। इस बुक की ये छोटी छोटी स्टोरीज हमें काफी कुछ सिखा देती हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।